जयपुर में पुरानी चुंगी स्थित कॉलोनी में लेफ्टिनेंट बनकर आने पर कॉलोनी वासियों व माता पिता व रिश्तेदारों ने लेफ्टिनेंट राहुल सिंह का स्वागत किया। राहुल सिंह ने बताया कि 12 साल ट्रेनिंग के दौरान माता पिता से दूर रहना पड़ा, उसके बाद मुझे यह पद मिला है। इसी के साथ ही निजी स्कूल में 10वीं और 12वीं में 94% अंक अर्जित करने वाले बच्चों का सम्मान किया गया। एवरीवन, आई एम ग्रेटफुल टू माय फैमिली, माय टीचर्स, स्पेशली माय पेरेंट्स, माय मॉम एंड डैड, दे आर देमसेल्फ्स टीचर्स। मेरी जो सक्सेस है उसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट मेरे माँ बाप को जाता है, खास करके मेरे पिता को, जिन्होंने शुरू से मेरे लिए बहुत कुछ किया, जिन मेहनत की है। मैं सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से पढ़ा हूँ, मुझे इन्होंने 12 साल से अपने से दूर रखा और आज मैं जो कुछ भी हूँ उसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट मेरे माँ बाप को जाता है। मैं अपने सैनिक स्कूल के सभी गुरुओं का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज मुझे इस मुकाम पर पहुँचने में, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, उन सभी ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। मैं सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से पढ़ा हूँ, उसके बाद मैंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो है उसमें प्रवेश लिया, उसके बाद मैं भारतीय सैन्य अकादमी से पास आउट होकर के मैंने 16 सिखलाई में एज अ लेफ्टिनेंट ज्वाइन किया है। मैं सभी बच्चों को मैसेज देना चाहूँगा कि कड़ी मेहनत और लगन से जो है वो मुकाम हासिल किया जाता है, और मैंने मेरे बच्चों को कम से कम 12 साल मेरे से दूर रखा और इस मुकाम को मेरे बच्चे ने हासिल किया। मुझे आज बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। मैं क्षेत्रवासियों का, अध्यापकों का, सभी का आभार प्रकट करना चाहूँगा और मेरे रिश्तेदारों का, जिन्होंने इस मुकाम को हासिल करवाने में मेरे बच्चे की मदद की, और सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ और आर्मी के जो जितने भी अध्यापक हैं उन्होंने मेरे बच्चों को बहुत सहयोग किया इस मुकाम को हासिल करने में। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि मेरा जो बच्चा है वो भारत की सेवा